मुख्यमंत्री के द्वारा गठित महिला कल्याण के नेतृत्व कर रही आयुक्त वाणिज्य कर अमृता सोनी व उनके साथ वरिष्ठ आईपीएस महिला अधिकारी तथा एक अन्य महिला अधिकारियों ने दौरे के दूसरे दिन रविवार को जिले के सभी आईएएस आईपीएस अधिकारियों एवं सभी विभाग के अधिकारियों के साथ महिला संबंधित मामलों पर समीक्षा बैठक कर स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सुरक्षा और महिलाओं से जुड़े अन्य सभी विभागों के अधिकारियों से एक एक बिंदुओं पर गहन बातचीत किया और शनिवार को निरीक्षण के दौरान जहां जहां जिन जिन विभागों द्वारा जो कमियां पाई गई थी उन विभागों के अधिकारियों से उन बिंदुओं पर चर्चा करके उनमें सुधार लाने और उन कार्यों को पूरा करने और आगे से उन पर ध्यान देने के लिए भी विशेष तौर से कहा गया। इस दौरान बैठक में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, सीडीओ अनुज सिंह, एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, डीपीआरओ हिमांशु शेखर सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्रीकांत तिवारी, महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह सहित अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गौरवपुनी संवाददाता से बात करते हुए आयुक्त वाणिज्य कर अमृता सोनी ने कहा, हाँ हम लोग आ गए हैं इंतजार। प्रोग्राम बुक है, मतलब
आज यहाँ पर महिलाओं से संबंधित विभिन्न स्कीम्स में जो प्रावधान है और जो योजनाएं हैं उनकी समीक्षा की गई। इसमें विशेषकर कन्या सुमंगला योजना की तैयारी के संबंध में समीक्षा की गई। इसके अलावा बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक उच्च शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, राजस्व विभाग और अन्य सभी विभागों में जो महिलाओं से संबंधित बिंदु हैं उनके बारे में वार्ता की गई। जो कठिनाइयां हैं, जो इश्यूज आ रहे हैं उनमें अगर कोई पॉलिसी लेवल बदलाव चाहिए तो उसके बारे में जिले ने अवगत कराया। यदि उनके क्रियान्वयन में कोई कमी है जो हम लोगों ने अपने विजिट के दौरान भी देखा या जो हम लोगों के संज्ञान में लाया गया तो उसके बारे में भी इसमें कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। देखिए ये एक सतत प्रक्रिया है, तो जब भी कोई स्कीम्स आती हैं और जो पुरानी भी जो स्कीम चल रही हैं उसमें समय समय पर निर्देश आते रहते हैं और उनको उनका क्रियान्वयन करने में कई चैलेंजेस आते हैं, तो कुछ कमियां हमेशा नज़र आएंगी क्योंकि हर समय एक इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है, तो उसको सही करते हुए आगे चलते हैं। विशेषकर मैं किसी विभाग के बारे में नहीं कहना चाहूँगी, पर अच्छी स्कीम्स हैं और मैं देख रही हूँ कि दिन ब दिन बेहतर क्रियान्वयन होते जा रहे हैं और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है, तो यही मिलकर हम लोग यही प्रयास करते हैं कि और बेहतर इम्प्रूवमेंट इसमें होती रहे। इसके लिए कोई स्पेशल दिशा निर्देश भी दिए गए हैं? हर एक विभाग की अलग अलग उसमें आवश्यकताएं हैं, उसके अनुसार विभागों को निर्देश दिया गया है। और जैसे अगर कोई पुलिस से रिलेटेड मामले हैं तो उसमें बेहतर कैसे परिणाम लाया जाए उसके संबंध में चर्चा करके इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। तो उस तरह से हर एक विभाग की अपनी अलग एक काम करने का एक तरीका, अलग सिस्टम्स होते हैं, उसके अनुसार ही कार्रवाई के निर्देश दिए। थैंक